और वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर से जुड़ी किरण सिंह बेसिन की याचिका पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है वो सुनवाई शुरू हो चुकी है। बता दें आपको, ज्ञानवापी परिसर को लेकर लगातार फास्ट ट्रैक कोर्ट सुनाएगी फैसला। पहली मांग, कोर्ट ही फैसला करेगी कि मामला सुनवाई के योग्य है या नहीं। बीते 24 नवंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडे की कोर्ट ने 2 दिन के लिए फैसला टाल दिया था। किरण सिंह बेसिन ने अधिवक्ता अनुपम द्विवेदी के जरिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा कि इस मामले का हाईकोर्ट का श्रृंगार गौरी मामले में दिए गए ऑब्जर्वेशन से कोई संबंध नहीं है। हिंदू पक्ष के पक्षकार संतोष सिंह ने कहा कि हमें कोर्ट पर भरोसा है और भले ही 2 दिन की देरी हुई लेकिन फैसला सही होगा। हमारा दावा मजबूत है और सभी पहलुओं को मजबूती के साथ रखा है। हिंदू पक्ष के किरण सिंह की तरफ से एक मुकदमा वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडे की कोर्ट में इसी साल से चल रहा है। इस केस की पोषणीयता पर सवाल उठाते हुए मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से आपत्ति दर्ज की गई थी। इसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर 7 रूल 11 पर सुनवाई शुरू की। दोनों ही पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला रिजर्व कर लिया गया था। हिंदू पक्ष की मांग, पहली मांग यह है कि ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंप दिया जाए। दूसरी मांग यह है कि परिसर में मुस्लिमों की एंट्री बैन की जाए। तीसरी मांग, शिवलिंग की पूजा की इजाजत मिले। चौथी मांग, मंदिर के ऊपर बने ढांचे को हटाया जाए। मामला सिर्फ आस्था विश्वास का नहीं बल्कि सबूतों का भी है। 1000 से ज्यादा सबूत सामने आए ज्ञानवापी परिसर को लेकर। शिवलिंग की पूजा अर्चना पर फैसला संभव, कोर्ट फैसला सुनाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई। अमन शुक्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। अमन, कितने बजे सुनवाई होगी और क्या गहमा गहमी और क्या हलचल? देखिए पूजा, मैं आपको बता दूं कि 2 बजे से सुनवाई चालू हो गई है। दोनों पक्ष की जो है सुनवाई आज रखी जाएगी। और आज मैं आपको बता दूं कि पूजा, मैं आज जो है फैसला जो आने वाला है बहुत अहम फैसला है, क्योंकि दर्शन पूजन को लेके और हिंदू पक्ष की तरफ से हिंदू पक्ष को शिवलिंग की देख रेख और साफ सफाई करने के लिए ये भी याचिका जो है दाखिल की गई थी, जिसके ऊपर आज फैसला आने वाला है। तो बहुत अहम फैसला है, क्योंकि कई सारे जो शंकराचार्य हैं, कई सारे साधु संत हैं, वो इस समय वाराणसी में हैं। और मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा व्यवस्था की बात कर लूँ तो यहाँ के जो DM है, यहाँ के जो मंडलायुक्त हैं, यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर हैं, सख्त हो गए हैं। क्योंकि VVIP मोमेंट भी है और ज्ञानवापी मामला भी है, तो दोनों मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे जो है फोर्सेज हर गली हॉल मोहल्ले में फोर्सेज तैनात कर दी गई। यानी अमन, आज जो फैसला आना है वो शिवलिंग की पूजा अर्चना को लेकर, परिसर की साफ सफाई को लेकर है। जी, पूजा देखिए इसी पे पिछले बार जो तारीख इस बार की तारीख दी गई थी कि पूजा अर्चना को लेकर और हिंदू पक्ष को शिवलिंग की देख रेख और साफ सफाई करने के उसमें याचिका जो है आज जो फैसला आने वाला है। तो अभी 4 बजे अब पता चलेगा पूजा कि 4 बजे क्या फैसला आएगा, क्योंकि अंदर से जब भी खबर आती है तो 4 बजे बाहर आती है, तो सूत्र ऐसे बताते हैं कि हो सकता है आज वो अहम फैसला आ जाए। जी बिल्कुल, चूंकि मामले की सुनवाई बहुत तेजी के साथ अमन चल रही है और मामला आस्था का है, विश्वास का है, इसके साथ साथ सबूतों का भी है। 1000 से ज्यादा सबूत जो सामने आए हैं ज्ञानवापी को लेकर, और लोग भी चाहते हैं, सनातन धर्म के जुड़े लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द फैसला हो इस पर। जी पूजा, मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग से जब से ये शिवलिंग मिलने का सबूत है, क्योंकि मस्जिद से आप मस्जिद के जस्ट पीछे देखेंगे तो पूरा मंदिर का जो प्रांगण का जो अभी अवशेष बचे हुए हैं उसको देखते हुए ही यहाँ की जनता हो, चाहे वकील, चाहे एडवोकेट हो, चाहे जज हो, कोई भी हो,
लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि पीछे के जो मस्जिद के जस्ट पीछे, वजीर खाने के जस्ट पीछे जो अभी तक जो अवशेष बचे हुए हैं वो मंदिर के हैं। हाँ, लेकिन हालांकि आगे से देखेंगे तो ये मस्जिद लगेगा, लेकिन यहाँ के हिंदू पक्ष या मुस्लिम पक्ष लगातार जो अपनी कोर्ट में बहस जारी रखे हैं और आज जो अहम फैसला आने वाला है ये दर्शन पूजन और देख रेख को है। जाहिर सी बात है कि जिस दिन भी सुनवाई होती है कोर्ट परिसर के आसपास काफी हलचल होती है। अमन जी, मैं आपको बता दूं कि कोर्ट परिसर की अगर बात करें तो यहाँ की जो जनता है, जनता यहाँ की नहीं बाहर की भी, जो पूरे हिंदुस्तान की जो जनता है कि किसके तरफ से फैसला आएगा, किसके तरफ से फैसला आएगा, क्योंकि 4 बजे का इंतजार पूरी जनता करती है कि हिंदू पक्ष की तरफ से फैसला आएगा कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से फैसला आएगा। तो आज जो है बहुत अहम फैसला है और कचहरी के बाहर इस समय जो है जो यहाँ के नागरिक हैं वो टकटकी लगाए बैठे हैं कि 4 बजे जिला जज की अदालत से क्या फैसला आएगा। जी शुक्रिया आपका अमन शुक्ला इस खबर पर जानकारी देने के लिए।